सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। मीडिया को अपने कब्जे में लेने के बाद अब भाजपा देश के बहुजनों का ब्रेन वॉश करना चाहती है। हाल ही में हुए एक बड़े खुलासे में यह सामने आया है कि फेसबुक और भाजपा की आपस में बड़ी मिलीभगत है। कुछ समय पहले भाजपा ने फेसबुक को भीम आर्मी के पेज को हटाने के लिए भी कहा था। यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर फेसबुक किस तरह बहुजनों की आवाज दबाने में लगा हुआ है। आज हम एक नहीं बल्कि दो बड़े खुलासों के बारे में बात करेंगे। इसमें से पहला खुलासा 14 अगस्त को हुआ था, जब अमेरिका की द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि फेसबुक सत्ताधारी भाजपा की मदद करती है। अगर भाजपा से जुड़ा हुआ कोई भी फेसबुक पेज कोई भी ऐसी पोस्ट डालता है जो फेसबुक के नियमों के विरुद्ध है, तब भी फेसबुक उसको नहीं हटाता है। वहीं अगर वही चीज सरकार के विरोधियों द्वारा करी जाती है तो फेसबुक तुरंत एक्शन लेता है। दूसरा बड़ा खुलासा हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जनवरी 2019 में लोकसभा इलेक्शन से 2 महीने पहले भाजपा ने फेसबुक से 44 ऐसे पेज जो सरकार के खिलाफ बात करते थे उन्हें हटाने के लिए कहा था। इन फेसबुक पेजों में भीम आर्मी का पेज भी शामिल था। इन 44 पेजों में से 14 अब फेसबुक पर नहीं है। यही नहीं, भाजपा द्वारा कहे जाने पर फेसबुक ने उन भाजपा समर्थक पेजों को भी फिर से चालू कर दिया था जिन्हें खुद फेसबुक ने पहले हटाया था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाजपा ने फेसबुक से ओपी इंडिया के फेसबुक पेज को मोनेटाइज यानी इस पेज पर विज्ञापन चालू करने के लिए भी कहा था, जिससे उसे पैसे कमाने में मदद मिल सके। ओपी इंडिया के सत्ताधारी भाजपा के साथ संबंध हैं और यह झूठी खबरें फैलाने के लिए चर्चा में बनी रहती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सवाल यह उठता है कि जब फेसबुक जैसा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अगर सरकार के साथ मिलीभगत में शामिल है तो जनता के पास सच कहां से पहुंचेगा? सरकार जैसे चाहे वैसे जनता को उल्लू बना सकती है और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर लगाम लगा दी जाएगी। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पेट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।